फायरिंग शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल देखते नहीं है कि कहाँ पे उनकी बंदूकें जा रही है, कभी भी किसी को भी लग सकता है। बिना नहीं करते, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से मांगते हैं। हम 5 दिन से फंसे हैं, 24 से हम यहाँ पे हैं, 24 फरवरी से आज 5th डे हमारा यहाँ फंसे हुए हैं। नानी आपसे बात हो रही है लगातार? बात हो रही, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से। 1 घंटा दिया गया है कि हम कुछ भी खाकर नीचे उतरे वापस से। गुलिया बरसते रहता है, उसके बाद में बम का आवाज आते रहता है। अब कल रात में सिर्फ एक एक रोटी दिया है उन लोगों को खाने के लिए। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कल हमने एक खबर चलाई थी यूक्रेन में फंसे बच्चों की, यानी 2 बच्चों की, जिनकी परिवार वाले माँ बाप जो है काफी जो है उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और आज फिर मुमरा के 2 बच्चियां जो मुमरा शहर के जो है रहने वाली थी, वो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने, यानी एक तरह से डॉक्टर की जो है डिग्री हासिल करने के लिए वहाँ गई हैं। और पिछले 3-4 सालों से, लेकिन अब वो बुरी तरह वहाँ पर फंस चुकी हैं और वहाँ वो फंसी हैं। और यहाँ जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी टेंशन में है, चिंता में है, क्योंकि किसी का इनकी बेटी है और इनकी नवासी है ये जो है, और ये नाना है और ये नानी है, ये दोनों लोग हैं, काफ़ी जो है टेंशन में है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ये कहीं और की बच्ची नहीं है, ये मुमरा शहर की बच्ची है जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जो है वो यूक्रेन में गई हुई थी। काफ़ी दर्द बयां कर रहे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह की दर्द बयां कर रहे हैं। और आज प्रहार टाइम्स पे लाइव उन बच्चियों से बात करेंगे जो है वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ की हालात क्या है, कहाँ पर वो अभी फ़िलहाल जो है किस बंकर में है, क्या स्थिति है बंकर की, वहाँ के सरकार जो है क्या सोच रही है और यहाँ की सरकार से किस तरह से अपील कर रहे हैं। जहांगीर भाई, आपके कौन लगते हैं वो? मेरी नवासी है नमीरा सलीम शेख, उसको हमने मेडिकल के लिए यूक्रेन भेजा है। और उसके साथ कितने साल हो गया वहाँ जाके? 3 साल। 3 साल अभी ये महीना पूरा हो जाएगा। हाँ। उसके साथ और 3 बच्चे शांतापुर उसके हमने भेजा है, निधि है, अल्पिता है, ये लोगों को भेजा है। ये लोग यूक्रेन में सुमी मेडिकल इंस्टीट्यूट में है। अच्छा, अब सुमी ये कहाँ आया? ये जॉर्जिया, सॉरी, यूक्रेन के बॉर्डर पे है, रशिया। हाँ। का बॉर्डर लगता है। हाँ। कीम के नज़दीक है, कीवी के, और वहाँ आजू बाजू पड़ोस में बमबारी करा जा रहा है। इन लोगों को 3 दिन से पानी नहीं, खाना नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, और ये सब सारी चीज़ें वो बच्चियाँ बता रही हैं। बच्चियाँ बता रही है, वीडियो बता रही है वहाँ से करिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे इसलिए कि उनके पड़ोस में ही बमबारी किया जा रहा है। अच्छा। जो भी मिसाइलें वगैरह आ रही है, सायरन बज रहा है, उनके पड़ोस में ही हो रहा है, तो ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, इतना तकलीफ में आ गए। हम हुकूमत से गुजारिश चाहते हैं कि इनको जरा सेव करा जाए, ये 300 बच्चे बहुत तकलीफ में। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, आपका शुक्रिया, आपने हमसे आकर पूछा हमारे बच्चों का क्या हाल है, हम आपसे बहुत गुजारिश करते हैं इन बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, इनको पानी तक तो पहुंचाया जाए, कुछ इनका बंदोबस्त करें। तो अभी आखिरी बार कब बात हुई है? अभी कल रात में बात हुई है। अच्छा। उसके बाद अभी तक बात नहीं हुई क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है उन लोगों के पास, वो लोग बात करना नहीं, जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होती है, चार्जिंग नहीं है उन लोगों के पास। तो देखिए, ये जहांगीर भाई हैं जो है सोशल वर्कर हैं, इनकी नवासी है वहाँ पर जो है, और इनकी दर्द आप देख सकते हैं, बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, माँ बाप यहाँ तड़प रहे हैं। तो सिलसिला देखिए, ये अभी ये जो है दूसरे जो है, इनके बेटी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सिराज उल हक बड़ भैया। हाँ, आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरे बेटी का नाम इरम सिराज बड़ भैया। हाँ। ये खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी में है और वहाँ उनके साथ में और बहुत सारे बच्चे हैं, एक जगह में ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड में ले जा के रखे हैं। खाने पीने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो ऊपर से सायरन बज जाता है और फिर दौड़ के जाके फिर अंदर घुसते हैं, और उसके बाद फिर खाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसके बाद फिर गुलिया बरसते रहता है, उसके बाद में बम का आवाज़ आते रहता है। इतना परेशान है, बोलते अबू के अभी उधर कंस डाल के पानी निकालने का नौबत रहता है, अभी हम लोग कंस डालते वहाँ पानी भी ख़त्म हो चुका है।
आप पानी भी नहीं मिल पा रहा है, बड़ा मुश्किल से कहीं दूसरे जगह से अरेंजमेंट करके थोड़ा सा पानी ला के दिए है, वही चल रहा है। उसके बाद में खाने पीने का जो हॉस्टल के अंदर बंदोबस्त था तो वहाँ मटेरियल जितने थे वो भी ख़त्म हो चुका है। अब कल रात में सिर्फ एक 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 रोटी दिया है उन लोगों को खाने के लिए। अब सुबह से अभी तो लोगों के फ़ोन आया बच्चे का कि अभी तो लोग कोई खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके पास कुछ बिस्कुटें था बस वही बिस्कुट खा के वो लोग गुजारा कर रहे हैं। अब वहाँ से उन लोगों को कैसे निकलना है, कैसे क्या करना है, भारत सरकार से हम आजीज़ करते हैं, हम विनती करते हैं, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से मांगते हैं कि ये हमारे बच्चे नहीं है बल्कि आपके बच्चे हैं, आप वहाँ से निकालने के लिए बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप मदद कीजिए उनका, नहीं तो फिर वो आने वाले वक्त में बुरा खबर आने लगेगा, क्योंकि ऐसा बच्चे लोग बीमार भी होने लगे हैं, कुछ बच्चे लोग बीमार भी हो चुके हैं, कुछ बच्चे परेशान है। तो इसलिए मैं सरकार से अजीज़ी कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चे लोगों को वहाँ से निकाल के वतन में भेजने के लिए बस रास्ता निकाल दीजिए। और कई दिन से आप लोग जो है सोए नहीं हैं, इस चिंता में लगातार अपडेट देख रहे हैं, क्या आखिरी मांग क्या करेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि ये 300 बच्चे 290 बच्चे हैं, इनको किसी भी शक्ल में वहाँ से शिप करें, इनको पानी तक पहुँचाने की कोशिश कराएं अपने माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से, सरकार के लोगों से। मैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी से मैं अपील करता हूँ कि इन बच्चों तक के पहुँचाया जाए, किसी को पानी पहुँचाया जाए। इनको पानी भी पहुँचाएंगे तो ये वहाँ पर अपनी हिम्मत रख के बंकर में रह रहे हैं, अभी आज भी रात भर कल दिन भर बंकर में थे लोग रात। हाँ, इनके पड़ोस में एक 500 मीटर पे तीन बिल्डिंग पे उसने मिसाइल मारा, तीनों बिल्डिंग बच्चे देख रहे हैं गिर गए, बच्चे इतने डरे हुए। अभी भारत सरकार ने जो है 3 फ्लाइटें बुलाई है जो है वहाँ से, बच्चे लगभग 700-750 बच्चियाँ आई हैं, तो उनमें आपके बच्चे लोग वहाँ से कितने दूर पे हैं? ये जो अभी पोलैंड से भारत सरकार ने जिन लोगों ने वहाँ से 750-800 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो अलग है, वो अलग है। हाँ। ये सिमी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इसको 3 बॉर्डर लगता है, रशिया बॉर्डर पे है ये, क्यू से नजदीक है। अच्छा, क्यू से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर। इनके बेटी है, इनकी नवासी है, और यहाँ नानी भी बैठी हुई है, वो जो छात्रा जो वहाँ पर MBBS की यानी डॉक्टर का सपना देख रही थी और डॉक्टर का पढ़ाई कर रही है, वो अब जो है मझधार में फंसी है यूक्रेन में। सवाल ये है कि वो कैसे आएगी, शासन प्रशासन सरकार जो है वो कितनी कोशिश करती है। पिछले दिनों जो है वो भारत सरकार ने जो है 3 फ्लाइटें बुलाई जो है भारतीयों को वहाँ से लेकर आई, लेकिन वो लड़कियाँ थी और लड़के तो वहाँ पे भी जो है अभी साइड में है। बहरहाल नानी से हम जानेंगे, नानी के दिल पे क्या बीत रही है। मेरी बच्ची आ जाए, मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे लोग आ जाए। नानी आपसे बात हो रही है लगातार? बात हो रही है, नवासी से बात हो रही है? कल रात में। हाँ, क्या कहा उन्होंने? नानी मैं बहुत हंसी हूँ, दुआ करो मेरे लिए। सारे बच्चे परेशान है, बोलती मेरे लिए दुआ करो, मैं सब लोग आ जाए। अच्छा, बहुत तकलीफ है। तो देखिए जिस तरह से जो है काफी गंभीर हैं जो है और पिछले कई दिनों से सदमे में हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो सदमे में है। बहरहाल 25,000 से 26,000 बच्चे, चाहे वो छात्रा हो चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, वो वहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये दर्द इनके हैं, ऐसे सेम दर्द उनको भी होगा, लेकिन भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं अब जो है जो यूक्रेन में फंसे हुए बच्चियां हैं, मैं उनसे भी जो है जानकारी लेंगी कि आखिर वो कहां फंसे हुए हैं। वो हमारे साथ अभी लाइव आएंगी यूक्रेन से और वो बताएंगी वहां की हालात क्या हैं इस वक्त। हाँ, आवाज़ आ रही, मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या क्या तकलीफ है वहाँ पर इस वक्त जो है? प्रहार टाइम से आप लोगों को देख रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप, वहाँ पे कितनी तकलीफें हैं? तकलीफें तो यही है कि 5 दिन से बंकर में सारे स्टूडेंट्स जो है 700+ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हैं, और हमारी मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है हमें खाने पानी प्रोवाइड करने की। अच्छा, धीरे धीरे अब खाने की भी कमी हो रही है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है। हम खारकिव सिटी में सारे KNMU के हॉस्टल नंबर 5 के बंकर में है, और हमें कम से कम 5 से 3 बार हमें बॉम्बिंग और शेलिंग की आवाज सुनाई देती है और वाइब्रेशन भी रहती है, तो काफी एक डर का माहौल है। तो हम
यहाँ के सरकार से आपकी मांगे क्या है, आप सभी की मांगे क्या है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द यहाँ इवैक्यूएट करें यहाँ से। आपके साथ कितने, पांचवा दिन हम फंसे। अच्छा, कितने दिन से फंसे हैं आप लोग, और आपकी जो है मतलब आपके साथ कितने लोग हैं वहाँ पे? अब हम 4 दिन हैं और हम 5 दिन से फंसे हैं, 24 से हम यहाँ पे हैं। 24 फरवरी से आज 5th डे हमारा यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, और पानी खाने की भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी है। -4 डिग्री तक टेम्परेचर हम जमीन पे बहुत ठंडा, हमें जमीन पे बैठना सोना पड़ता है। जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ से कितनी दूरी पे बमबारी हो रही है? 10 किलोमीटर के रेडियस में। अच्छा, सामने वाली गली से टैंकर्स रशियन ट्रूप्स गए यहाँ सामने से। अच्छा, तो अभी क्या सिचुएशन है आप लोगों ने वहाँ यूक्रेन में क्या देख रहे हैं, मतलब किस तरह की बमबारी हो रही है वो पूरे बताइए आप लोग। और काफी यहाँ पे डर का माहौल है, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत कंसर्न है और उनके सब, हम बस यही चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो भी हमारी एम्बेसी इंडियन एम्बेसी हमें इंडिया देश है और हमें सपोर्ट करें। तो ये जो है क्यू से कितना दूर है आप लोगों, मतलब वहाँ से क्यू से जो राजधानी क्यू है वहाँ से कितने दूरी पे है? और जहाँ से इवैक्यूएशन हो रहा है पोलैंड और बेलारूस, वहाँ से हम 1200 किलोमीटर की दूर पर वेस्टर्न साइड जा ही नहीं सकते। तो अभी सारे बच्चे सारे बच्चियाँ आपके साथ ही है? हेलो, सारे बच्चियाँ आपके साथ हैं, मतलब कितनी बच्चियां हैं वहां पे टोटल आप बताइए? 700 तो इसमें बच्चे भी हैं कि खाली लड़कियां ही हैं, लड़के भी हैं कि लड़कियां ही हैं? बॉयज गर्ल्स सब है ना टोटल। एक आखिरी बार भारत सरकार से आप लोग की अपील क्या है वो बताइए। हमारी बस यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, हमें या तो रशिया बॉर्डर से या तो हमें खार्किव से कीव या लवीव तक बाय रोड ले जाके, जैसे भी हो सके हमें जल्द से जल्द यहाँ से इंडिया सेफली लेके जाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें काफी दिक्कतें हो रही है और काफी सेफ माहौल नहीं है यहाँ पर और काफी ज्यादा तादाद में बच्चे हैं इधर। तो हम बस यही हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से। आपको जो है प्रहार टाइम्स के जरिए से लोग देख रहे हैं, आपके कौन है जो यूक्रेन में फंसे हैं बोलिए। मेरी खुद की बच्ची है और जो उनके साथ और भी बच्चे यहाँ से गए इंडिया से महाराष्ट्र से, वो सब बच्चे उधर ही है। अच्छा, तो ये कभी से आपकी बच्ची जो है वहाँ यूक्रेन में है? उसको 3 साल हो गया, उसका 3rd ईयर है। अच्छा, तो अभी क्या कहेंगे आप जो है सरकार से प्रशासन से, क्या मांग है आपकी? बहुत गुजारिश है, मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुंचा दे, क्योंकि बच्चे मेरे रात में भी बंकर में थे ऑलरेडी, 2-4 दिन से बहुत थक चुके वो बच्चे, मतलब वो लोग इतना थक चुके ना उनको खाना है ढंग से ना पानी है, जो मिल रहा है वो खा के वो बंकर में भागते हैं हर 4-4 घंटे में 3-3 घंटे में। तो उनकी परेशानी बहुत ज्यादा है, उनकी तकलीफ को समझो, ऑलरेडी वो 1-2 बच्चे नहीं है, कम से कम 400-500 बच्चे और सभी इंडियन बच्चे हमारे। तो आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को वहां से निकाले, क्योंकि वो अपने पीक से बहुत दूर है, वो सुमी बहुत दूर है, सुमी स्टेट में है ये यूनिवर्सिटी है, ये रशिया की टीम इससे रशिया का लगता है। आपसे बहुत गुजारिश है सरकार से कि किसी भी तरह से हमारे बच्चों को हमारे घर तक सही सलामत पहुंचाए। तो ये देखिए जो है माँ किस तरह से दर्द बयां कर रही है। एक और जहांगीर सुरती जो बच्ची के नाना है
वो जो है यहाँ पर उनकी उनकी जो बच्ची है जो यूक्रेन में फंसी है, ये अलग यूनिवर्सिटी में है और ये अलग यूनिवर्सिटी में है, मतलब अलग अलग हैं, जिनमें पहले जो हमने बात करा जिसमें 700 लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, छात्रा लेडीज जेंट्स लड़के लड़की लड़कियाँ, और ये अलग जो है यूनिवर्सिटी में है हम बात करते हैं। हाँ दीजिए, चलो बात करो। आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं प्रहार टाइम से लाइव दिखा रहा हूँ जो है इस वक्त। आप ये बताइए वहाँ की सिचुएशन क्या है, आपका नाम क्या है सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम शेख नमीरा है। हाँ। और मैं मुंबई से महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ जी। वहाँ का क्या सिचुएशन है? यहाँ का सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है, हम कैसे जी रहे हमको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन फायरिंग सुनाई देती है और बमबारी होती रहती है, आसपास के घर जलते हैं, ये सब होता रहता है पूरा दिन जी। तो अभी कल भी हम यहाँ पर देख रहे थे, हमारे रूम में हम बैठे थे और हमें अलर्ट किया गया था कि सामने की बिल्डिंग पर स्नाइपर्स खड़े हैं, तो अपनी खिड़की के खिड़की ढक दे और उसको अंधेरा कर दे ताकि उनको पता ना चले हमारी लोकेशन कि हम है यहाँ पे। तो हमने सारी खिड़कियां बंद कर दी थी और हम खिड़की से दूर खड़े थे जी। तो आप कितने दिन से जो है बंकर में है? हम 4 दिन से बंकर में जाते हैं और हमें फिर 1 घंटा दे दिया जाता है ऊपर आके कुछ भी खाने का, कि 1 घंटे में कुछ भी खा पका के वापस नीचे जाना होता है। अच्छा, तो आपके साथ कितने लोग वहाँ पे हैं, मतलब आप सिर्फ गर्ल्स हैं कि लड़के भी हैं उसमें साथ में, सब मिला के टोटल कितने हैं यहाँ पे? लड़का लड़की सब मिला के 400 से 500 लोग अटके हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ की जो सरकार है, यूक्रेन की जो सरकार है, वहाँ पे आप लोग के लिए क्या इंतजाम कर रही है और भारत सरकार की तरफ से क्या है, मतलब सुविधाएं कुछ है वहाँ पे? यहाँ की सरकार की तरफ से तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें शॉप में सामान तक का नहीं मिल रहा है, मतलब खाने के लिए जी। हम जाते तो है लेकिन सामान कुछ भी नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है क्योंकि ATM सारे बंद हो रखे हैं। और जो इंडिया की सरकार का सवाल है तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो इवैक्यूएट तो कर रहे हैं लेकिन वो वेस्टर्न साइड से कर रहे हैं और हम ईस्ट में फंसे हुए हैं जो पूरी तरीके से रशिया में है। एक बात ये बताइए कि जो है ये बनकर क्या है, बनकर मतलब ये समझाइए लोगों को, बनकर क्या है, किस में है आप लोग, बनकर का मतलब क्या है? बनकर जो होता है ये हर बिल्डिंग के नीचे जमीन के अंदर होता है और इसमें कुछ फैसिलिटीज नहीं होती, ये बस एक कमरा सा होता है जान बचाने के लिए कि जमीन का कभी बिल्डिंग टूटती है तो हम जमीन के अंदर होते हैं, एक रूम होता है बस और उसमें मट्टी मट्टी होती है और हमें चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, वॉशरूम्स नहीं होते हैं तो हमें वहीं रहना पड़ता है। अच्छा, तो अभी आप लोग बंकर में ही है? नहीं, अभी हम बंकर में नहीं, अभी हमको 1 घंटा दिया गया है कि हम कुछ भी खाकर नीचे उतरे वापस से। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ के जो है सरकार से, भारत भारत के प्रधानमंत्री से क्या अपील है आप लोगों की? जी बोलिए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, हमें इवैक्यूएट किया जाए, हमें पूरा भरोसा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर ये काम कर सकते हैं, तो हमें आप लोग से यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। जी, हम यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। हाँ। और जो रशिया का बॉर्डर पड़ता है वहाँ वहाँ है ईस्ट साइड में, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब किस तरह का माहौल है वो बता दीजिए। अभी हमारे यहाँ पे अभी तो 1 घंटा में मैंने बताया जो दिया गया है कि बस जो भी है करके जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल देखते नहीं है कि कहाँ पे उनकी बंदूकें जा रही है, कभी भी किसी को भी लग सकता है। अच्छा, आपके साथ जो और लोग जो है दिख रहे हैं, जो छात्रा है, वो लोग कहाँ कहाँ के हैं? मैं दुबे निधि मुंबई की हूँ। मैं अर्पिता कुशवाहा इलाहाबाद यूपी से हूँ। मैं विभूति पंचोली गुजरात से हूँ। मैं यमनदीप कुशेत्र हरियाणा से हूँ। आप लोग का कल भी एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जो है आप लोग अपील कर रहे थे, आप लोग थोड़ी थोड़ी बात जो है फिर से अपील कर दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकाला जाए क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है।
हर रोज यहाँ बॉम्ब शेलिंग्स होती है और कल रात को भी यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए हैं जी। कल दोपहर में भी हम लोग ने फायरिंग मतलब वही सुने हैं, हमने बॉम्ब की आवाज सुनी है, फिर वापस हमको मतलब रात को नीचे बंकर में ले गए थे, तो वही सब चल रहा है, तो सिचुएशन वर्स होती जा रही है जी भाई। ठीक है ठीक है। हम अभी यहाँ से बाहर देख रहे थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे एक टैंकर जला दिया गया था, तो सबको वापस अंदर भेज दिया गया अभी हमारे सामने यहाँ पे। अच्छा, ये वो नाना है, देखिए तसल्ली किस तरह से दे रहे हैं, ये नाना वीडियो कॉलिंग से बात करके किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं, और ये नानी जो है काफी जो है चिंता में है। वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे, एक अपनी करियर सुधारने के लिए गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरकार के। सरकार इन बच्चों को जो वहाँ फंसे हुए हैं अलग अलग बंकर में छुपे हुए हैं, उन्हें पिछले 5-6 दिन से बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग जो है बंकर में हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, सरकार इस पर जल्द जो है निर्णय ले। जैसे 3 फ्लाइटें भेजकर कुछ बच्चियों को लाया है, वैसे सेम जो है इन्हें कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि सारे बच्चे जो फंसे हुए हैं वो अपने अपने घर यानी भारत देश में वापस लौटें। ये तस्वीर है इन लोगों की, देखिए जो है मैं फिर दिखाता हूँ, ये बच्ची के पिताजी हैं, ये नाना और नानी हैं, देखिए किस तरह से जो है गम में डूबे हुए हैं, ये बच्चियों से बात करते हुए किस तरह से गम में डूबे हुए हैं, ये हालात है इनकी। सरकार इस पे जल्द जो है सोचे और जल्द से जल्द उन बच्चे जो वहाँ फंसे हुए हैं जो उन्हें वापिस लाए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।